सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सुनील जी, PCSJ में चौथा रैंक लाने के लिए। ये कैसे संभव हो पाया जी? तो पहले तो ग्रेटिट्यूड है काफ़ी कि एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि चौथी रैंक आई मेरी इस फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सबसे पहले जो आपकी मेंटल कंडीशनिंग होती है पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ा रोल रहा मेरी फैमिली का। और जहाँ तक रही बात पढ़ाई की, तो वो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है यहीं घर पे जौनपुर में रहते हुए, और स्टैंडर्ड बुक मटेरियल्स और स्टैंडर्ड नोट्स जो कि मेरे लॉ डिग्री के दौरान तैयार किए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए, और पर्टिकुलरली UPPCSJ की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उनके कोर्स को देखते हुए, नोटिफिकेशन में जो भी आपके सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन की, और थैंकफुली ये रैंक प्राप्त हुई मुझे। ये कहाँ से आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई और वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया बेंगलोर तक? तो क्लास सेकेंड तक यहीं मेरी पढ़ाई सेंट्रल पब्लिक स्कूल 1 विहार रोड जौनपुर से हुई। उसके बाद सेंट जॉन स्कूल जौनपुर में शिफ्ट हो गए क्लास 3rd से क्लास 10th तक, एंड थैंकफुली क्लास 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। उसके बाद पापा जो कि बैंक में अभी प्रेजेंटली उप क्षेत्र प्रमुख हैं, उस टाइम पे उनके प्रमोशंस और ट्रांसफ़र्स की वजह से दिल्ली में मेरी क्लास 12th की पढ़ाई हुई, जिसमें फॉर्चुनेटली मुझे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टॉपर होने की अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद फिर मैंने क्लैट दिया और आई वॉज फॉर्चुनेट टू सिक्योर अ सीट इन टू NLSIU बैंगलोर, और वहाँ से फिर मेरी 2017 से 2022 तक BLLB ऑनर्स की डिग्री हुई। और नोटिफिकेशन आते ही मैं तैयारी में लग गया और अब फॉर्चुनेटली ये रिजल्ट्स आए हैं। ये बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जुडिशियली में? आजकल लोग IAS IPS बनने के लिए ज़्यादा बच्चों में रहता है इंटरेस्ट, तो क्योंकि मेरा हमेशा से नेचर रहा है और घर वालों ने सिखाया है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, तो पब्लिक सर्विस हमेशा से मेरे ध्यान में रही है। और क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन पर्सन हूँ और लॉ आज इनफैक्ट जो हमारा लॉ है वो विक्टोरियन और काफ़ी हद तक कॉलोनियल लॉज पे बेस्ड है, उनको देखते हुए ये हमारे लिए थोड़ा सा नया पड़ता है, जिसको मेरे फैमिली ने पर्टिकुलरली मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया कि कैसे अलग अलग पहलू हैं हमारे समाज का, एक अभिन्न अंग है न्यायपालिका, उसको देखते हुए और खासकर यह भी ध्यान में रखते हुए कि न्यायपालिका का काम जो कि न्याय देना है वो अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है। बात इस चीज़ की नहीं है कि आप किस पोजीशन को देखते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं, जब आप लोगों के प्रति न्याय करते हैं तो आप उससे बड़ी कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में जुडिशियरी एक अभिन्न अंग है, चेक्स एंड बैलेंस के बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो कि जुडिशियरी परफॉर्म करती है, इसलिए उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जुडिशियरी परसू करने का डिसाइड किया। परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या है? जी, मेरे फादर हैं श्री सुनील कुमार, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गाजीपुर में उप क्षेत्र प्रमुख हैं। मेरी मम्मी श्री सरभा देवी गृहिणी हैं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री अमित कुमार सिंह अभी प्रेजेंटली कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमित जौनपुर में, और मझले भाई श्री अंकित कुमार सिंह वो IIT कानपुर से पढ़कर एक्सेंचर जापान में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। इसने जब हम लोग टॉपर से बात करते हैं तो तैयारियों के बारे में जब पूछते हैं तो बताते हैं कि 12 घंटे तैयारी की, 10 घंटे तैयारी की, 8 घंटे तैयारी की, तो क्या पूरा एक जो ट्रैक होता है पूरी किसी प्रिपरेशन का, तो आपने उसको कैसे किया? जी, वैसे तो मतलब उनके टाइमिंग्स जो भी आपने बताए हैं वो रफली कोइंसाइड करता है ब्रॉडली 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन मेरा फोकस ये नहीं था कि आप 10 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें। यह सबसे ज़रूरी कि जो आप पढ़ें, चाहे वो 6 घंटे पढ़ें चाहे आप 14 घंटे पढ़ें, आप जो पढ़ें पूरे मन से उसी को पढ़ें और सही से पढ़ें। तो इसी पे फोकस रहता था कि एक टाइम बाउंड मैनर में टारगेट रखें कि सपोज़ कर लीजिए कि एक हफ्ते में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें पढ़नी है तो आपको फिर वो एक हफ्ते में, अगर आपने रियलिस्टिक टारगेट रखा है, एक हफ्ते में ख़त्म होनी चाहिए, वो टारगेट था, ना कि उदाहरण के तौर पे हम 12 घंटे पढ़ लें या दिन के 7 बजे उठें, 9 बजे तक पढ़ें, फिर 10:30 बजे से पढ़ें, ये सब ना करके आप अपना माइंड कंडीशन करें, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा प्लान रहा। आपने कोचिंग की सफलता के पीछे क्या, कोचिंग की या घर पे सेल्फ स्टडी की? तो जी, मैंने
इस पूरे एग्ज़ाम के दौरान सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि हम सीखते हैं और हमें सिखाया जाता है सोक्रेटिस का मॉडल ऑफ लर्निंग, जिसमें यह होता है कि आप क्वेश्चन पोज करते हैं किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो लर्निंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स माना गया है, जिसके लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बेस्ट रूट माना गया है उसको देखते हुए। और क्योंकि लॉ डिग्री मैंने अच्छे से उस टाइम मेहनत की थी, तो उसको देखते हुए मैंने पूरे इस दौरान सेल्फ स्टडी की। अगर हम बात करें कोटा की, जहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, इस समय सुसाइड के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने देश के इतने इम्पॉर्टेंट युवा को खो दे रहे हैं। हमें इस पे ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि सिस्टमिक लेवल पे भी सोचना चाहिए कि आप लार्जर देन लाइफ ना बना दें किसी एग्ज़ाम को। हम हमेशा यह ध्यान रखें कि लाइफ कोई मींस नहीं है, वो एंड है अपने आप में। और एंड से कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए। और ये ध्यान रखें कि किसी बच्चों पे अधिक दबाव ना बना करके अगर वो अपने नेचुरल स्टेट में रहेंगे उस हिसाब में वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लोगों को ना देख के, आज कई माध्यम अवेलेबल हैं जैसे ऑनलाइन मीडिया है, आपकी ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं जो सेम चीज़ें ही पढ़ाती हैं सेम क्लासरूम की, बल्कि अगर आप उन्हें बैठकर अपने घरों में करें तो आपका ट्रेवल टाइम, सेल्फ मैनेजमेंट टाइम बचेगा और आप बेस्ट अपने घर में। तो इंसान बेस्ट होता है क्योंकि आप सबसे सेफ स्पेस होता है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको अपने इमोशंस उतने नहीं मैनेज करने हैं, अपने खाने पीने को नहीं देखना है, कपड़ों को, या फिर दिनचर्या की आप जितनी तमाम चीज़ें सोचते हैं आप उनसे इंडिपेंडेंट होकर सिंगल फोकस्ड सोच सकते हैं। तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि ऑनलाइन कोचिंग करें और जहाँ तक संभव हो घर पर करें।